Hello student, I am Anuradha Agarwal. Today I am going to start chapter Glimpses of the Past, Word Meanings, Class 8th English. तो सबसे पहले देखते हैं हम मार्टिस क्या पढ़ते हैं मार्टिस मार्टिस मतलब क्या होता है दोज हु डाई फॉर देयर कंट्री शहीद ऐसे लोग जो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं मर मिटते हैं शहीद मतलब के लिए जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं और शहीद कहलाते हैं पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर यानी कि चित्रात्मक चित्र के द्वारा कोई चीज़ को दिखाना ग्लिम्सेस मतलब शॉर्ट लुक्स है ना झलकियाँ स्पीच बबल्स का मतलब है वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट होता है इसका मतलब उक्ति कथन या उक्ति मुखरे आप कह सकते हैं फंक्शन फंक्शन का मतलब समारोह पब्लिक प्रोग्राम होता है रिकॉल यानी रिमेंबर याद करना है इसी को भी याद करना सेक्रीफाइसेस मतलब गिविंग लाइव्स फॉर द सेक ऑफ द ग्रेट कॉज बहुत बड़े उद्देश्य के लिए महान उद्देश्य के लिए कुर्बानी देना सुपीरियर का मतलब है तो यहाँ पर कुर्बानी सुपीरियर्स मतलब बेटर देन द रेस्ट जो बाकी बचे लोग हैं उनसे ज़्यादा सुपीरियर श्रेष्ठ है ना सर्वश्रेष्ठ जिसको बोलते हैं सुपीरियर मतलब अदर्स दूसरों से बेटर देन अदर्स एक्सटेंडिंग मतलब होता है विस्तार करना तो यहाँ पर बिकमिंग लार्ज इन एरिया और इफेक्ट अपने प्रभाव में या क्षेत्र के विस्तार करना टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र यानी कि एरिया और रीजन शॉर्ट साइटेड को हम क्या बोलते हैं नॉट कंसिडरिंग वॉट विल प्रोबेबली हैपन इन द फ्यूचर कि भविष्य में क्या होने वाला है या क्या होगा इसकी संभावना के बिना ही कुछ भी सोच करना तो अदूरदर्शिता या अदूरदर्शी आप स्टार्ट का मतलब है नवोदित एरोगेंट जो कि अभी अभी नए बने हैं मर्चेंट का मतलब होता है ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी यहाँ पर वर्ड मीनिंग पीस का मतलब क्वाइट शांति चुप्पी स्टेट ऑफ नोवर जहाँ कोई युद्ध की स्थिति ना ऐसी स्थिति को बोलते शांति कॉन्स्टेंट मतलब लगातार कंटिन्यूस राइवलरीज का मतलब एनिमिटीज यानी प्रतिद्वंदिताएं सबव्यू का मतलब होता है सप्रेस यानी कि अधीन करना फारसिंग मतलब थिंकिंग अहेड दूर की सोचना दूरदर्शी ठग्स मतलब रोबर्स लुटेरे कन्क्वेस्ट मतलब विक्टरीज यानी कि जीत डेस्टिनी मतलब फैट यानी कि भाग्य लिंक्ड मतलब कनेक्टेड जुड़ा होना डिथ्रोन्ड मतलब रिमूव फ्रॉम पावर सिंहासन से हटाया जाना स्लेव्स अ पर्सन हु इज लीगली ओन बाय अनदर पर्सन फॉर वर्क किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे काम के लिए लगा देना किसी व्यक्ति को मतलब दास बना देना स्लेव्स फॉरेनर्स मतलब पीपल ऑफ अदर कंट्री यानी कि विदेशी दूसरे देश में रहने वाला प्रिच्ड प्रिच्ड मतलब गेव अ रिलीजियस स्पीच यानी कि उपदेश देना धार्मिक कोई भी उपदेश देना आइडिया मतलब थॉट्स होता है विचार यानी कि अनटचेबिलिटी का मतलब है फीलिंग ऑफ लोअर एंड हायर क्लास अमंग पीपल्स लोगों के बीच में उच्च और निम्न की भावना होना अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं छुआछूत क्रोसेस मतलब गोज बियॉन्ड मतलब पार चले जाना है ना मिजरी यहाँ पर मिजरी कहीं माइजरी होता है कहीं मिजरी यहाँ पर मिजरी ग्रिफ ट्रबल दुख स्कॉर्न का मतलब होता है हेट करना तिरस्कार करना नफरत करना नेटिव्स का मतलब होता है रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री अपने देश के मूल निवासी होना ट्रस्ट मतलब फेथ यानी विश्वास होना अबंडन का मतलब लीव छोड़ देना है या छिन जाना है एरियर्स का मतलब यहाँ पर है डेब्ट यानी कि ऋण बकाया होना है कर्जदार होना क्रिपल्स का मतलब डिसेबल यानी वीकन अपंग होना अपाइज होना इनएविटेबली इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबली यानी कि अवश्यंभावी फैमिली इनका मतलब होता है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड भोजन की कमी होना यानी अकाल होना स्टारवेशन यानी कि डेथ ड्यू टू हंगर स्टारवेशन का मतलब है डेथ ड्यू टू हंगर यानी भूख से मरना यानी कि भूख मरी पॉलिसीज मतलब गवर्निंग प्रिंसिपल्स यानी कि नीतियाँ रुइंड मतलब डिस्ट्रॉय करना बर्बाद कर देना है बर्बाद कर दिया एक्सपर्ट मतलब स्किल यानी कि विशेषज्ञ होना किसी चीज में आर्टिसन मतलब होता है पर्सन स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा यानी कलाकार होता है लर्नड का मतलब है नॉलेजेबल यानी कि विद्वान डेस्पाइस मतलब होता है हेट नफरत करना एंशियंट मतलब वेरी ओल्ड यानी प्राचीन
कल्चर यानी कि द वे एंड वैल्यू ऑफ लाइफ यानी कि संस्कृति। कैपेबल मतलब होता है एबल, सक्षम होना। अचीवमेंट मतलब अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धियाँ। रिफॉर्म मतलब इम्प्रूवमेंट, सुधार। सुपरस्टिशंस यानी कि इलॉजिकल बिलीफ्स, अंधविश्वास। ओपिनियन मतलब व्यू पॉइंट, विचार। असेंस यानी जिस सार। सस्पिशियस मतलब डाउटफुल, संदेहपूर्ण। स्टूडेंट देखिए कि हम जो ये वर्ड मीनिंग कर रहे हैं ना, ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट के वर्ड मीनिंग कर रहे हैं, और आपको जब ये वर्ड मीनिंग करेंगे तो आपको इससे पढ़ना भी अच्छा आएगा, और जब इसमें सिनोनिम्स हमारे पेपर में आते हैं ना तो वो भी अच्छे से होंगे। वन वर्ड भी काफ़ी सारे इसके अंदर होते हैं, जैसे आर्टिशंस क्या होता है, अ पर्सन स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट, है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से आप लर्न करते रहें। स्टूडेंट यहाँ देखिए आगे, रिफॉर्म्स मतलब इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार होना किसी भी चीज़ में। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, यहाँ रिकॉग्नाइज यानी किसी चीज़ को पहचानना, जानना। सब्जेक्ट मतलब आप जानते हैं, प्रजा पीपल, रूल्स, रूल्ड बाई ए किंग जो कि राजा के द्वारा शासित होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ड्यूटी टू डील विद, किसी के साथ में जिम्मेदारी का एहसास होना। ओस मतलब होता है नीड टू पे और रिपे मनी। बीयर्स और हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियाँ, किसी चीज़ के प्रति कोई जिम्मेदार होना, किसी चीज़ को आपस से देना। ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन जैसे इस तरह से भी बोला था, मतलब सप्रेशंस अत्याचार। रेगुलेशंस का मतलब नियम कानून, एक टोल लो है। ट्रायल का मतलब कोर्ट हियरिंग है, सुनवाई है। ड्रू मतलब गॉट रिसीव यानी कि प्राप्त किए। सैलरी मतलब मंथली पेमेंट है फॉर सर्विसेज, वेतन के लिए। फॉर्च्यून्स का मतलब है वेल्थ, भाग्य है। प्राइवेट का मतलब पर्सनल, निजी होता है। एक्सपोर्टिंग का मतलब सेंडिंग अब्रोड, है ना, विदेशों में भेजना, इनकी निर्यात करना। वर्थ मतलब होता है योग्य होना। हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू, किसी के पास कोई विशेष गुण होना, है ना। कॉस्टिंग कीमत होना, मूल्य योग्य। इस तरह से हमने पार्ट फिफ्थ तक के जितने भी लिंक थे जरूरी वो हमने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए जो पार्ट हैं उनके कवर करेंगे। और मीनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।